Hello and welcome to the practice session on expanding calculations and on the concept of cube of any number between 1 to 100. ठीक है, तो ये कुछ पांच क्वेश्चंस हैं, मैं पांच ही क्वेश्चंस लिए हैं, जिनमें से वन वन ऑफ ईच टाइप एंड दिस के मतलब जो डिफरेंट वाले होते हैं उनके दो क्वेश्चंस लिए हैं और दोनों को मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा. ठीक है, आई एम वेरी श्योर अगर ये तीन टाइप आते हैं सो द बेस्ट मेथड इज यूजिंग द कंसेप्ट दैट आई डिस्कस विथ यू इन द मेथड नंबर टू. ठीक है, सो अगर एंडिंग विथ अ वन है तो कैसे लिखोगे, वन सिक्स, सिक्स का स्क्वायर 36, सिक्स का क्यूब 216. ठीक है, बीच वालों का डबल, सो 12 और 72 आ जाएगा. वन सिक्स प्लस टू एट, वन कैरी, सिक्स प्लस टू एट प्लस वन नाइन, सेवन प्लस थ्री टेन, सो ये हो जाएगा 226981 वुड बी द क्यूब ऑफ 61. सिंपल राइट, doing 15 cube now. I know it is 375, but again, if आपको याद नहीं है तो, so 15, 25, 125, the double of 5, 10, the double of 25, 50. ठीक है, so 5 यहाँ लिखोगे, 12 जाएगा carry पे, 5 plus 2, 7, 5 plus 2, 7 plus 1, 8, carry पे, 8 plus 5, 13, 13 plus 10, 23. सो टू कैरी और थ्री नीचे. ठीक है, सो टू प्लस वन थ्री, दैट बाय 3375. नाउ इफ इट इज 99 क्यूब, ठीक है, तो क्या करना होगा, सो नाइन का क्यूब चार बार लिखना है आपको बेसिकली, 729 729 729 and 729, एंड देन डू द डबल ऑफ दिस. ठीक है, तो 729 का डबल क्या हो जाएगा, 730 या 700 का डबल क्या होगा, 1400. ठीक है, सो 1414 पहले ही लिख लो. अब 29 का डबल करने का तरीका, 30 का डबल 60, ठीक है, माइनस 2, 58. ठीक है, सो यहां पे आएगा एक यूनिट डिजिट 9, यहां पे आ जाएगा 72. ठीक है, 8 प्लस 2 10 प्लस 9 19, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, 1 यहां कैरी में जाएगा, 5 यहां आएगा मगर. ठीक है, 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12 और 1 प्लस 1 2. ठीक है, अब 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 प्लस 8 22, सो 2 कैरी 2 नीचे, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 1 यहां 1 यहां, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14. ठीक है, सो 1 यहां 4 यहां, 1 प्लस 1 2, 9 प्लस 1 10, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7 प्लus 2 9, सो 970299 would be the cube of 99. ठीक है, सो दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, बट अगर आप ये वाला मेथड या मेथड वन यूज कर रहे होते तो इवन मोर डिफिकल्ट होता आपकी कैलकुलेशन, है ना. जस्ट इमेजिन यहां पे आपको क्या करना पड़ता है 99 के क्यूब के लिए. I'll do it for you. So, what you have to do? Write 729, write 729 two times. Then do 9 into 9, 81. 81 into 3. Okay? 9 into 9, 81. 81 into 3, that would be 243. Up 243 ka 99 se multiplication. Okay? Wo kya hota? 2430 minus 243. है ना, 99 को हम लोगों ने क्या लिखा, 100 माइनस 1, सो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आएगा. ठीक है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है, सो 10 माइनस 3 7. ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 5. ठीक है, 3 माइनस 3 0 एंड 2 4, सो एक छोड़ के 7 5 0. ठीक है, 24 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है, सो 9 9, 7 प्लस 5 12, 9 प्लस 1 10, 7 एंड 9. सी यू वुड हैव गॉट द सेम आंसर, लेकिन द कैलकुलेशन रिक्वायर्ड टू डू दिस कैलकुलेशन वुड बी अ वेरी ट्रेमेंडस वन, राइट. इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ टू फॉलो दिस मेथड. जब दोनों ही अलग अलग हैं तब आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, ये मेथड भी यूज कर सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है. ठीक है, आई डू वन मेथड वन क्वेश्चन यूजिंग दिस वन
वन यूजिंग दिस वन. ठीक है, चलिए. सो अगर इस मेथड को करना होता तो हम क्या बोले, 2 का क्यूब 008, 3 का क्यूब 027, एंड देन 2 इंटू 3, 3 टू 6, 6 थ्री 18. ठीक है, और 18 को 23 से मल्टीप्लाई. ठीक है, सो कैसे करेंगे, जैसे रेगुलर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 8 थ्री 24, 3 वन 3, 8 टू 16, 16 प्लस 3 19, प्लस 2 21, 2 कैरी, 2 वन 2, प्लस 2 4. ठीक है, सो दैट वुड बिकम माय आंसर. ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 4 1 4 7, 4 प्लस 2 6 1, 8 प्लस 4 12 1. सो 1 2 1 6 7 वुड बिकम योर आंसर. ठीक है, हैड यू यूज दिस पर्टिकुलर मेथड तो क्या करना होता आपको, तो आपको करना होता 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27. ठीक है, एंड देन आपको करना होता 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, इसका डबल 24, इसका डबल 36, एंड देन एडेड अप 7 नीचे आता, 2 ऊपर जाता, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 36 56, 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, 2 3 4, 8 प्लस 4 12, सो 1 2 1 6 7 तब भी आंसर आता, एंड यू कैन चूज बिटवीन द टू ऑप्शन दैट आई डिस्कस विद यू. ठीक है, अब 47 पे आते हैं. चलिए अब 47 के क्यूब पे आते हैं. ठीक है, तो 47 का क्यूब करने का ऑब्वियसली हमारे पास दोनों तरीके हैं. ठीक है, हम लोग ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, हम लोग ये जो सेकंड वाला मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो हाउ टू गो अबाउट इट, सो लेट्स ट्राई टू डू यूजिंग द डबल वाला मेथड ही. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 का क्यूब 64, 7 का क्यूब 343, फिर लिखेंगे 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 7, 16 7 से कितना होता है 112, एंड देन वील राइट 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 4. अब 49 इंटू 4 लिखने का तरीका क्या होगा, 49 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 1. ठीक है, सो 50 माइनस 1 इंटू 4 मतलब 54 से 200 माइनस 4. ठीक है, तो जाएगा 196. अब इन दोनों को वैसे कैसे छोड़ दो, बीच वालों का करो डबल, जाएगा 224. 196 का डबल भी हम कैसे करेंगे, 200 का डबल 400 माइनस 8, क्योंकि 4 कम है ना 200 से, और दो बार करना है, तो 4 प्लस 4 8 होता है, सो कितना हो जाएगा 392. नाउ डू द एडिशन ऑफ इट, तो 3 नीचे आएगा, 34 ऊपर जाएगा, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 9 प्लस 1 10, या 9 प्लस 1 10 चलो, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 10 22. ठीक है, सो 22 का 2 यहां जाएगा, 2 यहां आएगा. ठीक है, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, 6 यहां आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 यहां आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 कैरी में जाएगा, 2 प्लस 1 3 यहां कैरी में जाएगा. ठीक है, अब 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, सो 103 823 वुड बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, obviously यू कुड हैव यूज द अदर मेथड इज वेल, यूजिंग द सेकेंड मेथड टू जस्ट कंपेयर द टू थिंग्स. ठीक है, आप कैसे करते, 4 का क्यूब 64, 7 का क्यूब 64 भी ऐसे लिखते 343. ठीक है, फिर आप करते 4 इंटू 7 इंटू 3 करना है, सो 4 इंटू 3 12, 12 7 जा, ठीक है, 12 7 जा वुड बी 84. अब आपको करना पड़ता है 84 इंटू 47. इज इट अ इजी टास्क टू डू, यस, टू डे मल्टीप्लीकेशन सिखा चुका हूं तो वैसे इजी है, इन कंपेरेटिवली यू हैव टू थिंक अबाउट. 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, 7 8 जा 56. ठीक है, सो 16 प्लस 56 प्लस 2, दिस इज यू नीड टू डू, 6 प्लस 6 12 प्लस 2 14, 5 6 एंड 7 74, 7 कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 39, 3 9 4 8, 3 9 4 8 ऐसे लिखोगे.
ठीक है, एंड देन डू द एडिशन ऑफ इट, 3, 8 प्लस 4, 12, 4 प्लस 4, 8, 9 प्लस 4, 13, 6 प्लस 3, 9 प्लस 1, 10. सो 103, 8 root 3 would become your answer. I just cross-check this part. So these are the methods by which you can do the practice questions that we have just discussed with you. And make your own questions, any number between 1 to 100, try it out and have a habit of solving such questions, right? So we'll meet in the next video with the next part of it, which is squares and square roots for you. Thank you.